नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनुज पाल सिंह। ये लेडी बेसमेंट में कुत्ते को घुमा रही है, बी2 में मेरे बेटे को काटा है इस कुत्ते ने, और ये लेडी अपना फ्लैट नंबर नहीं बता रही है, ठीक है, और बदतमीजी कर रही है। कह रही मेरे पति से बात कर लो, कह रही है जाहिल हो, पागल हो, गवार हो, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, लेडी से बात करने की मैनर्स नहीं है, मेरे बच्चे को काटा इससे, और इसको इस लेडी को इतनी अकल नहीं है, ये बी2 में पोटी कराने लेकर क्या है इसको। गाजियाबाद की एक सोसाइटी की लिफ्ट में पालतू कुत्ते ने बच्चे को काट लिया। बच्चा लिफ्ट में रोता रहा, दर्द से करहाता रहा, लेकिन कुत्ते की मालकिन चुपचाप खड़ी देखती रही। राजनगर एक्सटेंशन में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। सोसाइटी के रेजिडेंट्स ने कहा है कि लिफ्ट में पालतू कुत्तों को लाना ले जाना बंद किया जाए। घटना राजनगर एक्सटेंशन की चाम्स कैसल सोसाइटी की लिफ्ट में सोमवार शाम करीब 6 बजे की है। 9 साल का बच्चा क्लास 4th में पढ़ता है। वह ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहा था। लिफ्ट से फ्लैट में जाते वक्त एक महिला अपना पालतू कुत्ता लेकर लिफ्ट में घुस गई। कुत्ते से बचने के लिए बच्चा लिफ्ट में गेट की तरफ जाता है। इसी दौरान कुत्ते ने उसकी जांघ पर काट लिया। कुत्ते के काटने से बच्चे को इतना तेज दर्द होता है कि वह अपना पैर भी जमीन पर नहीं रख पाता। इस दौरान महिला चुपचाप खड़ी देखती रहती है। उसने बच्चे से बात करने की या फिर उसे समझाने की जरा भी कोशिश नहीं की। महिला जैसे ही अपने फ्लोर पर लिफ्ट से बाहर निकलती है, वैसे ही कुत्ता एक बार और बच्चे को काटने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बच्चा बच जाता है। बच्चे की मां ने अज्ञात महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बच्चे की मां ने कहा, जब मैं ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी थी तब बेटे ने आकर मुझे पूरा वाक्या बताया। उस वक्त महिला अपने कुत्ते को बेसमेंट में बाथरूम करा रही थी। पूछने पर महिला ने ना तो अपना नाम बताया और ना ही फ्लैट नंबर। बाद में सिक्योरिटी गार्ड से जानने पर पता चला कि यह महिला B506 चाम्स कैसल में रहती है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।